अर्ली मॉर्निंग कॉमन ग्राउंड कॉफी शॉप जो काफी सुनसान इलाके में था, वहाँ का एक एम्प्लॉई अपना कार पार्क करके शॉप की एम्प्लॉई एंट्रेंस की डोर अनलॉक करने के लिए चाबी निकाला, लेकिन डोर तो पहले से ही अनलॉक था। लास्ट नाइट जो लड़की ड्यूटी पे थी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शॉप को लॉक करना। 18 साल की सामंता कोयनिक सिर्फ एक मंथ से वहाँ काम कर रही थी, लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने प्रॉपरली क्लोज नहीं किया। उन्हें लगा लोग गलतियां करते हैं, इट्स ओके, और वो अंदर चले गए। अंदर भी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समंता अपनी शिफ्ट के बीच में ही कहीं चली गई। कुछ भी क्लीन अप नहीं किया उसने। फ्लोर के ऊपर नैपकिन्स, टॉवल्स, इधर उधर कप्स रखा हुआ है। जब वो कैश रजिस्टर अनलॉक करने गए तब उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रही थी कि समंता इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। लेकिन कैश रजिस्टर खोलने के लिए चाबी डाला, वो भी पहले से अनलॉक था। उन्होंने जब ट्रे निकाला उसमें कोई पैसा नहीं था। रॉबरी हुई है शॉप में। उन्होंने अपने बॉस को कॉल किया। लास्ट नाइट समंता अपनी बॉयफ्रेंड डाविन से कहा था शिफ्ट के बाद उसे पिकअप करने के लिए। डाविन आया था अराउंड 8:30 PM, यानी उसके शिफ्ट खत्म होने के 30 मिनट्स बाद। डाविन लेट हो गया था क्योंकि वो अपने काम में फंस गया। पार्किंग लॉट में उसने इधर उधर देखा, समंता कहीं नहीं दिखी। कॉफी शॉप के अंदर अंधेरा और ऐसा लगा कि वो शॉप बंद हो चुकी है। वो जब खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की तब अंदर कोई नहीं था। समंता और उसके बॉयफ्रेंड के बीच फाइट हुई थी उससे पहले। समंता को लगा था कि डाविन उसे चीट कर रहा है। शायद वो अभी गुस्से में है और उससे मिलना नहीं चाहती। वो शायद शिफ्ट खत्म करके उसके डैड या फ्रेंड के साथ घर चली गई है। समंता को वो मैसेज भेजता है कि क्या वो ठीक है, घर पहुंच गई है। कुछ टाइम बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। डाविन ने डिसाइड किया कि वो समंता के घर जाके चेक करेगा। डाविन अपना गाड़ी लेके निकल जाता है। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। उसके घर पे उसके डैड जेम्स ने दरवाजा खोला। डाविन ने कहा कि शिफ्ट के बाद समंता उसे नहीं मिली, तो क्या वो घर पहुंच गई है। लेकिन जेम्स ने कहा वो घर नहीं आई, उसके साथ उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। वो दोनों फिर ट्राई करते हैं समंता को कॉल करने की। कुछ मिनट्स बाद डाविन के फोन पर एक मैसेज आया समंता से। मैसेज में ये क्लियर था वो डाविन के ऊपर गुस्सा है। कुछ दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहती है और डाविन से कहा उसकी डैड को भी ये इन्फॉर्म करने के लिए। डाविन ने वो मैसेज जेम्स को दिखाया। समंता के डैड को लगा कि ये समंता नहीं हो सकती। ऐसा क्या बात है कि वो अपने डैड से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है। वो अपने डैड के साथ बहुत क्लोज रही है और दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं एकदम फ्रेंड्स की तरह। और ये भी बहुत अजीब है कि वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। उन दोनों ने समंता से फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन और कोई जवाब नहीं आया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेम्स ने पुलिस से कांटेक्ट किया। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल किया गया। पुलिस ने कॉमन ग्राउंड कॉफी शॉप ओनर से कांटेक्ट किया और समंता के बारे में पूछा। तब पता चला कि कॉफी ग्राउंड शॉप में लास्ट नाइट एक रॉबरी हुई है और कोई भी समंता से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। ओनर ने पुलिस से कहा कि उन्हें सिक्योरिटी फुटेज मिलते ही वो पुलिस को भेज देंगे। पुलिस जब उस सिक्योरिटी फुटेज के लिए वेट कर रही थी, समंता के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कॉल किया गया, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं। पुलिस कॉमन ग्राउंड कॉफी शॉप पे गए लेकिन वहाँ भी स्ट्रगल की कोई साइन नहीं। उस शॉप के काउंटर पर एक पैनिक बटन था जो प्रेस भी नहीं किया गया लास्ट नाइट। पुलिस को लगने लगा कि समंता ने उस कॉफी शॉप में चोरी की और भाग गई, लेकिन एक डाउट था कि वो कॉफी शॉप से कहाँ गई होगी। उसके पास उस दिन कार नहीं थी और उस रात काफी ज्यादा ठंड थी। इतनी ज्यादा ठंड में वो पैडल भी नहीं चल पाई होगी। समंता ने मैसेज में कहा कि वो कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगी, फिर कैसे उसके किसी भी फ्रेंड को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सारे सवाल के जवाब मिला जब कॉफी शॉप ओनर ने सिक्योरिटी फुटेज शेयर किया। फुटेज में कोई ऑडियो नहीं थी। 1 February 2012 अराउंड 8 PM समंता को शॉप के अंदर देखा गया। वो अकेले ही काम कर रही थी। तभी कोई आता है जो कैमरा रेंज से बाहर था और विंडो के उस साइड से एक ड्रिंक ऑर्डर किया। समंता ने उससे बात किया और वो ड्रिंक प्रिपेयर करना शुरू करती है। प्रिपेयर करने के बाद उस आदमी को ड्रिंक देने जाती, तभी इमीडिएटली वो अपना हाथ ऊपर करके पीछे हट जाती है। कुछ सेकंड्स बाद वो शॉप के सारे लाइट्स ऑफ कर देती है, फिर नील डाउन होके बैठ गई विंडो की तरफ पीछे मुड़ के।
एक मिनट तक उसी पोजीशन में वो बैठी रही और हिली भी नहीं। फिर धीरे धीरे वो खड़ी हो गई और कैश रजिस्टर की तरफ आई। रजिस्टर खोल के पैसा निकाला और शेडोई फिगर के हाथ में दे देती है। फिर से वो नील डाउन पोजीशन में बैठ जाती है। दो मिनट बाद विंडो से किसी ने शॉप के अंदर की तरफ झुका और उसके हाथ बांध देते है। शॉप के अंदर अंधेरा था तो फुटेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा है। इतना कन्फर्म कि एक आदमी है जिसने एक स्वेट शर्ट पहना हुआ है और एक टोपी। समांता के हाथ बांधने के बाद वो उसी खिड़की से अंदर आता है। समांता के पीछे गन रख के उसे एम्प्लॉय डोर से बाहर लेके व्हाइट ट्रक तक ले गया और गाड़ी के अंदर लेके चला गया। अगले कुछ दिन पुलिस एंड FBI को कोई सुराग नहीं मिल रही थी। वो लोग एक डेड एंड पर थे क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था। उनके पास था सिर्फ वो फुटेज जिससे वो आदमी भी पहचान में नहीं आ रहा था जो समांता को लेके गया। समांता की स्टोरी नेशनल हेडलाइंस बन चुकी थी। 24 फरवरी समांता के मिसिंग होने के 3 हफ्ते बाद डाविन को एक टेक्स्ट मैसेज आता है समांता के फोन से। पास के ही एक पब्लिक पार्क के अंदर एक साइन के बारे में बताया जाता है। पुलिस के साथ वो मैसेज शेयर किया गया। फिर डाविन और समांता के डैड पुलिस से 15 मिनट्स पहले ही उसी साइन के सामने आके रुक गए जिसके बारे में मैसेज में बताया गया था। वो साइन एक्चुअली एक बुलेटिन बोर्ड है। उसके सामने एक जिप लॉक बैग रखा था। उसके अंदर एक टाइप किया हुआ नोट। उस नोट के साथ अटैच था एक जेरोक्स किया गया ब्लैक एंड व्हाइट फोटो समांता का। फोटो में समांता एकदम शॉक्ड लग रही थी, ब्लैंक एक्सप्रेशन, और कैमरे की तरफ भी नहीं देख रही थी। इस फोटो भी एक आदमी ने 13 फरवरी 2012 का एक डेली न्यूज़पेपर पकड़ा रखा था। ये फोटो एक प्रूफ है कि समांता जिंदा है एज ऑफ फरवरी 13th। उसके डैड को एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ मिला कि समांता जिंदा है। उस नोट में लिखा था कि $30,000 उनके बेटी के अकाउंट में इमीडिएटली डिपॉजिट करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो 6 महीने बाद समांता को छोड़ देंगे। FBI ने जैसा एडवाइस किया जेम्स ने वो पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब FBI वेट कर रहा है। जब भी उस अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश किया जाएगा उस कार्ड को ट्रैक कर पाएंगे वो। कुछ दिन बाद 3 अलग अलग जगह से विथड्रॉ किया गया। FBI को जब भी विथड्रॉल नोटिफिकेशन मिला वो लोग सीन पे आ गए, लेकिन जिसने भी पैसा निकाला वो वहां से जा चुका था। 3 अलग ATM से सिक्योरिटी फुटेज निकाले गए। जिसने विथड्रॉ किया वो एक आदमी था जो स्की मास्क और सनग्लास पहना हुआ था। उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। इसके बाद 1 हफ्ते तक उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं और समांता के फोन से भी कोई मैसेज नहीं आया। 7 मार्च अगेन उस अकाउंट से विथड्रॉ किया गया और लोकेशन था एरिजोना, मेक्सिको, टेक्सास। अथॉरिटीज उन ATMs पे गए लेकिन वो आदमी जा चुका था। लेकिन इस बार एक क्लू मिला। टेक्सास के ATM फुटेज में उसका कार रिकॉर्ड हो गया। वो एक सेडान कार, व्हाइट कलर फोर्ड फोकस। ये भी देखा गया कि वो हाईवे की तरफ चला गया। टेक्सास अथॉरिटीज ने उस पर्टिकुलर गाड़ी को ढूंढने लगे उस एरिया में। 13 मार्च टेक्सास की एक पेट्रोल मैन ने उस गाड़ी को देखा एक होटल की पार्किंग लॉट में। उसने बाहर वेट किया और देखा अराउंड 30 साल का एक आदमी होटल से बाहर आया और गाड़ी में बैठा। पेट्रोल मैन ने उसकी कार को फॉलो करना शुरू किया। वो सोच रहे थे कि कैसे किसी ट्रैफिक रूल तोड़ने के इल्जाम में उसे पकड़ा जाए। स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहा था वो। पेट्रोल मैन ने उसे रोका। ड्राइवर सीट पे जाके देखते है वो आदमी एकदम कूल था। पेट्रोल मैन ने उसका लाइसेंस मांगा। उसने अलास्कन लाइसेंस दिया। उसका नाम इजराइल कीज। 34 साल का उम्र और वो एंकरेज में रहता है। पेट्रोल मैन को पता चल गया ये वही आदमी है। उसके गाड़ी को सर्च किया, उसकी कार से मिला स्की मास्क और बाकी कपड़े जो ATM फुटेज के डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो गया। एक गन, समांता की मोबाइल और डेबिट कार्ड। कीज को अरेस्ट करने के बाद जब उसे कस्टडी में लिया गया उसने टोटली डिनाई किया कि समांता के केस में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सारे एविडेंस उसके खिलाफ था। वो एक्सेप्ट कर लिया और वो पूरी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे एक अमेरिकानो कॉफी, पीनट बटर स्नीकर और एक सिगर देना होगा। वो सब जब दिया गया उसने बोलना शुरू किया। उसने जो बोला वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, इसलिए FBI ने उसके कॉन्फेशन की पूरी ट्रांसक्रिप्ट पब्लिक नहीं की।
जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया गया था उसके अनुसार 1 फरवरी 2012 कीज ने डिसाइड किया था कि वो कॉमन ग्राउंड कॉफी शॉप को लूटने वाला है। शॉप की विंडो से उसने देखा एक टीनेजर काम कर रही है। उसने समानता से अमेरिकानो मांगा। जब वो कॉफी बना रही थी कीज ने प्लान चेंज किया। उसे सिर्फ लूटना नहीं है, वो समानता को भी किडनैप कर लेगा। समानता ने जब उसे कॉफी दिया उसने गन निकाल के उसकी तरफ पॉइंट किया, उससे कहा कि वो शॉप को लूटने वाला है। तभी समानता अपना हाथ ऊपर करके पीछे हट गई थी। उसके बाद उसने समानता का हाथ बांधा। शॉप के अंदर जाके उसने समानता के मुंह में नैपकिन डाला ताकि वो कोई आवाज ना निकाल पाए। फिर उसे अपने कार में बिठा के ले गया। ऑन द वे उसने समानता से कहा कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी वो उसे मार देगा। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसकी बात मानने लगी। कीज ने फोन लिया और वो टेक्स्ट मैसेज उसके बॉयफ्रेंड को भेजा और इन्फॉर्म किया कि कुछ दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगी। कीज ने समानता से कहा कि वो उसे किडनैप कर रहा है और उसके बदले कुछ फिरौती लेगा। समानता ने कहा कि उसकी फैमिली गरीब है, ज्यादा पैसा उसे नहीं मिलेगा। कीज कॉन्फिडेंट था कि उसकी फैमिली किसी तरह से पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। कई घंटे तक वो लोग इधर उधर ड्राइव किया। अराउंड मिडनाइट कीज अपने घर की तरफ जाने लगा। वो जब घर पहुंचा उसकी गर्लफ्रेंड और 10 साल की बेटी सो रही थी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग कीज और उसके बेटी का 2 हफ्ते की वैकेशन पे जाने का प्लान ऑलरेडी बना हुआ था। समानता को उसने ब्लाइंड फोल्ड किया, स्टोरेज रूम में ले जाके बिठा दिया, उसके गले पे रस्सी डाल के दीवार के साथ बांध दिया, जोर से रेडियो चला दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। उसे बार बार समझाया कि अगर वो चिल्लाएगी तो उसे मार देगा। फिरौती के पैसे मिलने के बाद वो उसे छोड़ देंगे। स्टोरेज डोर को लॉक करके वो चला जाता है। अपने घर जाके उसने डबल चेक किया कि उसकी बेटी और गर्लफ्रेंड सो रही है या नहीं। फिर उसने वाइन पिया और पानी का बॉटल लेके स्टोरेज रूम में गया समानता के पास। समानता बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि मैं अपने डैड से बात कर सकती हूँ, तो कीज ने झूठ कहा कि उसकी डैड से बात हो गई है, फिरौती के पैसे उसे मिल जाएगा, तो सी हैज नथिंग टू वरी। उसके बाद उसने समानता की गले की रस्सी को खोला, उसके हाथ भी खोल दिए। समानता को थोड़ा रिलीफ हुआ और फिर कुछ सेकंड्स बाद ही उसने फिर से उसे रस्सी से बांधने लगे और इस बार और जोर से। असल में वो समानता को कभी नहीं छोड़ने वाला था, फिरौती का पैसा मिलने के बाद भी नहीं। किस फिर वापस चला गया अपनी बेटी और गर्लफ्रेंड को चेक करने और वापस स्टोरेज रूम आया। अब उसने समानता को सेक्सुअली असॉल्ट किया और जब वो अपना कपड़ा पहन रहा था समानता ने उससे पूछा, आर यू गोइंग टू किल मी? उसने कहा, यस आई एम। अराउंड 4 AM उसने समानता के पीठ पर चाकू मारा और फिर उसके गला दबा दिया। उसकी मौत के बाद स्टोरेज लॉक करके चला जाता है। घर जाके उसने नहाया, अपनी बेटी को उठाता है, वो ट्रिप के लिए रेडी हो रहे थे। उसी टाइम किस फिर से स्टोरेज रूम जाके समानता की बॉडी को प्लास्टिक में रैप कर दिया, लाइट और रेडियो भी ऑफ कर दी, स्टोरेज को डबल लॉक कर दिया। फिर वापस घर जाके अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। अराउंड 5 AM वो लोग निकल गए ट्रिप पे। 2 हफ्ते की वैकेशन से वापस आके कीज ने अपना स्टोरेज रूम में गया, समानता की बॉडी से रैपर हटाया। ठंड की वजह से उसकी बॉडी ज्यादा खराब नहीं हुई थी। कीज ने उसे नया कपड़े पहनाया, फेस पर मेकअप लगाया और उसके आईलिड को स्टिच किया ताकि उसकी आंख खुली हुई दिखे और ऐसा लगे कि वो जिंदा है। डेली न्यूज़पेपर पकड़ के उसने फोटो लिया और प्रूफ ऑफ लाइफ बनाया फिरौती के लिए। फोटो लेने के बाद उसके बॉडी के टुकड़े किए और एक लेक में बॉडी को डिस्पोज कर दिया। फिर सामने आया समानता उसकी पहली विक्टिम नहीं है। ही वॉज अ सीरियल किलर और पिछले कुछ सालों में उसने कई रैंडम लोगों को अपना शिकार बनाया US की अलग अलग जगहों पे। समानता को जब पहली बार उसने देखा वो जानता था कि वो उसे मारने वाला है। उसने समानता को सिर्फ फॉल्स होप दिया फिरौती की बात कह के। समानता को लगा वो जिंदा वापस घर जा पाएगी। समानता के अलावा उसने कहा एक ओल्डर कपल के बारे में जो उसका शिकार बने थे। दिसंबर 2012 उसने जेल के अंदर ही अपनी जान ले ली और किसी विक्टिम के बारे में कोई और डिटेल्स शेयर नहीं किया। आज तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कितने लोगों को उसने मारा था। बेस्ट गेज इज 11 बेस्ड ऑन ए ड्रॉइंग जो उसने जेल सेल में बनाया था, लेकिन दैट्स जस्ट अ गेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।